दोस्तों, जब तक बंदूक या गन पाउडर की खोज नहीं हुई थी, तब तक तीर धनुष ही सबसे घातक हथियार था, जिससे हम दूर तक सटीक निशाना लगा सकते थे। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के धनुष थे, लेकिन एक धनुष ऐसा था जिसने करोड़ों लोगों की जान ली। जिस धनुष के वार से बचना बहुत ही मुश्किल था। आइए धनुष के इतिहास के बारे में और कुछ जानते हैं। वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्री, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, मैं ऐसे धनुषों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे सिर्फ तकनीक है और विज्ञान है, जिसमें किसी भी तरह का जादू या चमत्कार नहीं है। इंसानों ने हजारों वर्षों या लाखों वर्षों पहले धनुष का इस्तेमाल शुरू किया होगा, जिसका सबसे पुराना सबूत हमें साउथ अफ्रीका के सिबुडुके में मिलता है, जो एक चित्रकारी के रूप में है, जो लगभग 42,000 साल पुरानी है। अगर हम अफ्रीका के बाहर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में धनुष के सबसे पुराने सबूत हमें श्रीलंका के गुफाओं में मिलते हैं। यह पेंटिंग्स लगभग 48,000 साल पुराने हैं, जिसमें बंदर, गिलहरी, पक्षी जैसे जीवों का शिकार करता हुआ दिखाया गया है। यह सभी पुराने धनुषों के सिर्फ सबूत हैं, लेकिन जो सबसे पुराना धनुष हमें मिला है वह 7,000 ईसा पूर्व का है, जो उत्तर यूरोप में मिला है। इस तरह के धनुष को होमगार्ड बो कहते हैं। लेकिन यह धनुष जानलेवा तो थी, लेकिन खतरनाक नहीं थी। यह धनुष एक ही पदार्थ से बनी थी, जैसे बांस या लकड़ी। प्राचीन भारत में बांस से बने धनुषों का प्रयोग होता था, जिसका इस्तेमाल शिकार या युद्ध में किया जाता था। इस धनुष का सामना सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांताओं ने भी किया था, जो यहाँ के धनुषों को देख कर चौंक गए थे। यूरोप में किसी समय लॉन्ग बो का बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन 6 फीट लंबी होने के कारण इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल था। इस तरह के धनुषों को कई तरह के सभ्यता के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। यह धनुष साधारण लकड़ी या बांस से बनी थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में एक अलग तरह के धनुष का आविष्कार हो चुका था, जो बहुत ही घातक थी, जिसे मध्य एशिया के मैदानों में रहने वाले खानाबदोश लोगों ने बनाया था। फिर यह तकनीक कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। इस तरह के धनुषों को कंपोजिट या रिकर्व बो कहा जाता है, जिसमें लकड़ी के ऊपर भैंस के सिंह का परत लगा होता था, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर किया जा सकता था, जो तीर को बहुत तेज गति देती थी। समय बीतता गया, यह धनुष और इवॉल्व होती गई। मध्य एशिया के खानाबदोशों ने इसे और भी खतरनाक बनाया। 12वीं से 13वीं सदी के बीच में एक खूंखार योद्धा का उदय हुआ, जिसका नाम तिमुजिन था, जिसे आज दुनिया चंगेज खां के नाम से जानती है, जिसने मंगोल धनुष और अपने युद्ध तकनीक के कारण पूरे मंगोल को जीत लिया था। मंगोल सेना की सबसे बड़ी ताकत उनके घोड़े और उनके धनुष थे। जब वे घुड़सवारी और धनुष दोनों का एक साथ प्रयोग करते, तब ये बहुत ही खतरनाक हो जाते थे। मंगोल धनुष किसी मशीन गन की तरह थी, जो हर 5 सेकंड में एक तीर छोड़ सकती थी। मंगोल धनुष से निकले हुए तीर आसानी से मेटल के बने हुए ढाल या प्लेट को छेद सकते थे। मंगोल सेना मंगोलिया से निकलकर चीन की तरफ बढ़ी। चीन में कत्लेआम मचाने के बाद मंगोल सेना मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ी। मिडिल ईस्ट जो आज का मुस्लिम वर्ल्ड है। मंगोल सेना जहाँ से गुजरती वहाँ लाशें बिछा देते थे, औरतों को उठा लेते थे, यहाँ तक कि जानवरों को जिंदा नहीं छोड़ते थे। इतिहासकार दावा करते हैं कि मंगोल सेना ने 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्या की और एक बहुत बड़ी साम्राज्य की स्थापना की। जैसे जैसे समय बदलता गया, धनुष की यह तकनीक स्थानीय लोगों में भी फैलती गई और अलग अलग नए साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए मंगोल धनुष को किसी और धनुष के साथ कंपेयर करते हैं। एक तरफ है लॉन्ग बो और एक तरफ है मुगल धनुष, जो मंगोल धनुष का ही एक रूप है। आप देख सकते हैं लॉन्ग बो बहुत ही लंबा है, इसलिए इसे घोड़े के साथ उपयोग नहीं कर सकते, और मंगोल धनुष बहुत ही छोटा है, जिसे आसानी से घुड़सवारी करते हुए चलाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं लॉन्ग बो में ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होती है, और मंगोल धनुष को देखें तो इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। आपने देख लिया कि इन दोनों में से कौन सा धनुष ज़्यादा घातक है। आखिर मंगोल धनुष इतने घातक क्यों हैं? जवाब है इसमें लगने वाले पदार्थ और इसकी बनावट। हम जानते हैं कि मध्य एशिया मैदानी या रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ लकड़ियों की बहुत कमी होती है। तब वहाँ के लोगों ने लकड़ियों के कमी के कारण लकड़ी के साथ भैंस के सींगों का प्रयोग किया, जो इसे और भी लचीला और भी मजबूत बनाती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें।